नमस्कार, मैथ ऑयल मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 26 जून। पिछले दो तीन सेशन में हमने देखा अच्छी तेजी के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है 1100 के करीब। कल भी हमने देखा प्राइजेस 1112 का लेवल टच किया, बट कहीं ना कहीं हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग के चलते प्राइजेस 1190 के नीचे क्लोज होता हुआ जरूर दिखाया। बट अभी भी अगर आप मूविंग एवरेज वाइज देखेंगे तो सभी जब तक प्राइजेस 1020 के ऊपर मेंटेन है तब तक ध्यान तेजी का ही बना हुआ रहेगा। एज ऑफ नाउ अराइवल का प्रेशर है जो कहीं ना कहीं प्राइस पर दबाव जरूर ला रहा है, बट जब तक 1050-60 का लेवल नहीं तोड़ता है ट्रेंड बुलिश ही है। 1120 का लेवल तोड़ने पे ही हम बड़ी नई तेजी देख पाएंगे। टेक्निकल इंडिकेटर काफी ओवरबॉट है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं संकेत है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दे सकता है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा वेदर कंडीशन और फिजिकल मार्केट में भी अभी डिमांड कंटिन्यू बनी हुई। कुछ डैमेजेस भी रिपोर्ट हुए जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर तेजी का रुख कायम है। फंडामेंटल साइड ऑलरेडी हमने देखा रेन कुछ जगह पे काफी बाराबंकी साइड में काफी ज्यादा है जिसकी वजह से कुछ प्रोडक्शन अफेक्ट भी हुए हैं। इंडस्ट्रियल डिमांड अनलॉकडाउन की वजह से ओपन अप है, अराइवल धीरे धीरे और बढ़ने वाले हैं। चाइना से भी हमने देखा कि एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी रहनी चाहिए, बट इंडिया और चाइना के बीच में जो तनाव बना हुआ है जिसकी वजह से मार्केट इंपैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर हम बात करें तो प्राइजेस ने आप देखिए कि 920 से मार्केट वन साइड ऊपर गया हुआ है। अब 1120 का एक इंपॉर्टेंट हर्डल बना हुआ है। ट्रेंड लाइन तो पॉजिटिव है, बट थोड़ा भी अगर पुलबैक मिले तो लेने के लिए ज्यादा अच्छा है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है आज शुक्रवार है, प्राइजेस पूरी कोशिश करेगा अगर 1080 का लेवल तोड़े तो मार्केट में हो सकता है 1070 तक का लेवल दिखा दे, बट इन ऑल बेच के काम नहीं करना है। जैसे हमने पहले भी देखा था कि प्राइजेस 1070 का लेवल छुआ, फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, फिर बड़ी तेजी, तो हो सकता है मार्केट में थोड़ा 1070 तक का पुलबैक मिल जाए, बट बेच के काम नहीं करना है क्योंकि अगर प्राइजेस 1110 का लेवल तोड़ देता है तो 1156 1160 तक का भी लेवल आगे देखने मिल जाएगा। तो एज ऑफ नाउ थोड़ा भी पुलबैक मिले लेके चलिए, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वेदर कंडीशन की अगर हम बात करें तो आज 25 तारीख की बात करें तो कहीं पे भी कोई मौसम में खराबी की चीजें नहीं दिखाई दे रही है जिसकी वजह से अराइवल बढ़ना चाहिए, बट बाराबंकी साइड हमने देखा कुछ अराइवल में ड्रॉप है। रामपुर में थोड़ी बहुत बौछारें पड़ सकती है जिसकी वजह से मार्केट को आज सपोर्ट देखने मिल जाएगा। सीजनैलिटी अभी भी पॉजिटिव दिखा रहा है जिसके चलते प्राइस आउटलुक कंटिन्यू पॉजिटिव ही रहना है अगले दो तीन महीने में, तो बाय ऑन ड्रॉप स्ट्रेटेजी बनाइए। एज ऑफ नाउ हम तो 1120 का पहला टारगेट और 1120 के ऊपर 1200 तक के भी लेवल हम जल्द देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में हमारा मोबाइल ऐप है केडिया एडवाइजरी जो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप और टेलीग्राम चैनल में हम मेहता से रिलेटेड सभी अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।